1, 2, 3, come on. हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जिसका नाम है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जी हाँ, थोड़ा सा देरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं, हम इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, लेक्चर आपको जो मैं बता दूँ डेली कंटिन्यू मिलने वाले हैं, तो समझ लो भाई इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस एनालिसिस करेंगे। एक बात का आपको और ध्यान रहे कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो आपको सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी, और कहीं गाइस आपको मिलने वाली ऐसी वीडियो नहीं है। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना दोस्त। मतलब मेन बात अगर मैं बात करूं तो सिलेबस सबके पास होना चाहिए। सब लोग क्या करेंगे, upbt.nic.in पे जाएंगे, वहां से सिलेबस मतलब upbt.ac.in पर जा करके सिलेबस डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेंगे। हार्ड कॉपी निकालने के बाद गाइस आप क्या करेंगे कि उसको जिस नोट्स बनाए हैं उसमें चिपका लेंगे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी मार्केट में कहीं कहीं बुक अवेलेबल है, कहीं कहीं नहीं है, और जो अवेलेबल है वो है एशियन पब्लिकेशन की, तो आप अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। बिना किसी देरी के सिलेबस हम चालू करते हैं। मैं बता दूँ कि यहाँ कुछ विशेष बातें लिखी गई हैं, इन सबको हम लोग नहीं, मतलब है तो बातें, लेकिन इसको हम लोग उतनी एनालिसिस नहीं करेंगे। हम लोग मेन बात करेंगे गाइस जो है हमारा ना, वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिटेल्स कंटेनेंट की। जी हाँ, आपने सही सुना, ये डिटेल्स कंटेंट जो है इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला ध्यान है, जो सबसे पहला हमारा लेसन है गाइस, ये है क्या, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, क्या हमारा सबसे पहला भाई ट्रांसमिशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसके अंतर्गत, और ये ख़त्म कितने में होगा सबसे पहले देख लो, 28 पीरियड यानी 28 लेक्चर में ख़त्म होगा। लेकिन दोस्त ध्यान देना, 28 लेक्चर में इसको ख़त्म करना आपके कॉलेज में बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम उससे पहले 28 नहीं, वो 14 या 15 लेक्चर में ही या उससे पहले ही हम आपका ये पूरा एंड कर देंगे। जी हाँ, 28 नहीं, ध्यान देना, हम 28 का ही आधे में कोशिश करेंगे हो जाए, ऑलमोस्ट अगर बहुत जाता है तो 20 लेक्चर या उससे कम में ही आपका ये पूरा लेसन अच्छे से समझा करके आपको याद हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे जब आपका पेपर वगैरह आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं गाइस कि यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। सबसे पहला यार हम लोग को पढ़ना है लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज, हाई वोल्टेज लो, मतलब हाई ट्रांसमिशन लो ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एसी डीसी दोनों के बारे में। ठीक है, देन गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफेक्ट सिस्टम एसी, ठीक है, वर्सेस डीसी एंड पावर ट्रांसमिशन, कंडक्टर मटेरियल साइज एंड स्टैंडर्ड टेबल्स। ठीक है, तो इसमें गाइस करेंगे मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर और बहुत सारे लॉसेस वगैरह सब कुछ गाइस हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर सबको नहीं पढ़ रहा हूँ, बिकॉज कि सैग वगैरह पढ़ने जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस बार नया जुड़ा है, तो मैं कहना चाहूँगा इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी, तो सिर्फ एक नज़र में सिलेबस को एनालिसिस कर लो। बंडल कंडक्टर हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, देखो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस वगैरह हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल न्यू सिलेबस आया है यार, जो आपके मतलब बिल्कुल BTUP की तरफ से आता है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं दूसरे कंटेंट की। जी हाँ, दूसरे जो हमारा चैप्टर्स वगैरह आते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग काफ़ी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि ले आउट ऑफ हाई ट्रांसमिशन एंड लो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके अंतर्गत गाइस हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, LT ST इस तरीके के, और यहाँ पर मतलब कि देख सकते हो वैल्यूअर टेस्ट, मैरी लूप टेस्ट, ठीक है, वर्ले लूप टेस्ट, तो इस तरीके से यार बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, लूप इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वगैरह, तो इतना पढ़ सकते हैं। और अगला मैं बात करूं अगर, तो जो तीसरा आपका आता है या यूनिट बोल लो, जो भी कहना है वो बोलो भाई, तीसरा नंबर आता है सब स्टेशन। जी हाँ, सब स्टेशन, देखो ये देखने में बहुत छोटा लग रहा है गाइस, सिर्फ 2 पॉइंट है, लेकिन देख सकते हो कितना पीरियड इन्होंने कहा, 21 पीरियड यानी 21 लेक्चर अगर आपके कॉलेज में अच्छे खासे चलते हैं तब जाकर एक समाप्त होना चाहिए, लेकिन यार इतना अपने पास टाइम भी नहीं, इस समय कॉलेज भी सबके बंद चल रहे हैं। तो इस समय जो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपको पढ़ना है ना, ये वाला जो आपको सब स्टेशन पढ़ने हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपने पहला वीडियो मतलब इसके बाद आने वाला वीडियो सिंगल लाइन डायग्राम देख लिया, तो गाइस मैं यकीन से कह सकता हूं इसमें आप कुछ ना कुछ जरूर आप अपने मन से लिख लोगे, क्योंकि उसी तरीके से इसमें आएगा, और जब ये लेक्चर आएगा तो हम आगे बता भी देंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस कि नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आता है मतलब यूनिट्स आती है वो आती है गाइस हमारा पावर फैक्टर। जी हाँ, पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो हमारा पावर फैक्टर होता है
रहा है वो ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें गाइस जो हमारा पावर फैक्टर्स होते हैं ना, शक्ति गुणक, वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में यार डिटेल्स में जानेंगे और समझेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं यार, जिसका नाम है, देख सकते हो, जिसका नाम मैं पहले बता दूं, नाम गाइस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, नाम जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि रिन्यू एंड एनर्जी लॉसेस पीरियड, ध्यान दें 14 पीरियड, सॉरी, रिन्यू एंड एनर्जी लॉस, मतलब एनर्जी कैसे उत्पन्न होगी और यहाँ पर लॉसेस कितने होंगे, मतलब कुल मिला जुला कर उसकी इफिशियंसी वगैरह देख सकते हो यहाँ पे। सबसे पहला मैं टॉपिक बता दूं तो टेक्निकल लॉसेस एंड कॉमर्शियल लॉसेस क्या होते हैं। टेक्निकल लॉसेस का मतलब ये होता है भाई कि जैसे कि उसको उत्पन्न करा रहे हैं तो जैसे उसके क्या प्रतिरोध के रूप में हानि होगी, इस तरीके की इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के रूप में हानि होगी, उसके बात की जा रही है। उसके बाद कॉमर्शियल लॉस, मतलब कि जो हमारा खर्चा लग रहा है वो बार बार ख़राब तो नहीं हो रहा जिससे मेरी पैसे की ज़्यादा लागत होगी, यानी कॉमर्शियल लागत हो जाएगी। फिर बात करें एनर्जी मतलब इनपुट एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे, फिर सेल्स कैलकुलेशंस, फिर बिलिंग इफिशियंसी, कलेक्शन इफिशियंसी, टोटल एनर्जी बिल्ड KWH यानी किलो वाट प्रति हावर्स आपका है, परसेंटेज एग्री टेटेड टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस। कहने का मतलब इसमें यार जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है गाइस वो आपको लॉसेस वगैरह ही ज़्यादा पढ़ने हैं, इतना तो समझ सकते हैं गाइस। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यार, देखो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बताना चाहूँगा, नेक्स्ट टॉपिक आता है यार जो कि समर ट्रेनिंग है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये देखो नोट में दिया गया है, स्टूडेंट शुड विजिट पावर जनरेशन प्लांट या सब स्टेशन। कहने का मतलब यार सेकंड सेमेस्टर में गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, इसमें आपके कॉलेज से फॉर्म वगैरह मिल जाएंगे, आप जाएंगे मतलब पावर प्लांट, सब स्टेशन। बहुत लोग, जैसे मैं बता दूं, जैसे DLW हो गया, रेलवे का काम करता है तो वहाँ जा सकते हैं, अगर आपके UPPCL है वहाँ पर भी जाकर अप्लाई करके और दे सकते हैं गाइस। और मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट लेवल की तो यहाँ पर और जैसे जगह जा सकते हैं, जैसे गोदरेज हो गया कंपनी, वहाँ जा सकते हैं, मतलब कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रकार की ट्रेनिंग रहेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके के जाना होगा आपको और जाएंगे, जिसका बेनिफिट भी बहुत आगे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ विशेष बातें लिखी गई, इनसे हमसे नहीं मतलब है। और यहाँ पर गाइस मैं बता दूं कि जितनी भी बुक मिलेंगी अगर आप लेना चाहें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं होंगी, लेकिन आपका जो सिलेबस में है उतनी सारी टॉपिक इस तरीके की जो बुक्स हैं गाइस इसमें क्या होगा कि लिखा, जैसे ये देखो पहली बुक है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एनालिसिस बाय CL वाडवा, ठीक है, थर्ड एडिशन न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर दिल्ली। मतलब जितने भी बुक मिलेंगे गाइस देख सकते हो कि न्यू दिल्ली इधर है, इधर भी न्यू दिल्ली है, इधर देख सकते हो जालंधर का भी है, न्यू दिल्ली ज़्यादातर करके हैं। तो गाइस यहाँ पे जो मैं बता दूँ आपको बुक्स मिलेंगी, इनको आप क्या करेंगे, तो इनको गाइस करना क्या है कि अगर ले लेते हैं, हालांकि इसकी बुक मैंने पहले ही बता दिया कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें, ठीक है, तो ले लेंगे, लेकिन आपको सिलेबस उसमें से ढूंढ ढूंढ करके मतलब सर्च कर करके आपको पढ़ना होगा। और दूसरी बात कि हमारे जो पॉलिटेक्निक वाले दोस्त होते हैं वो ज़्यादातर हिंदी मीडियम्स के होते हैं, तो इन सब बुक में हिंदी मीडियम मिलना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इंग्लिश में सब आती हैं ज़्यादातर बुकें, ठीक है। तो इस तरीके गाइस हो गए, कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, अगर आपको बुक नहीं खरीदना है, कुछ और भी चीज़ें जाननी है तो आपको एक चीज़ करना चाहिए, ये देख सकते हो swam.in, ठीक है, HTTP और swamgovernment.in इस तरीके की वेबसाइट है, इस पर जा करके गाइस आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ डाटा ले सकते हैं, कहने का मतलब जो पढ़ना होगा वो सब चीज़ें काफ़ी यहाँ पे मिल जाएगी। मैं एक बार गया भी था, लेकिन आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो इस पर आपको डाटा मिल जाएंगे जिससे आप पढ़ सकते हैं। मैं बात करूं कि आपको नंबर कौन सा सबसे ज़्यादा लेसन दिलाने वाला है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, मैं कहना चाहूँगा देखो टॉपिक वन का इन्होंने बोला है और टाइम पीरियड अलाउड मतलब क्लास कितने दिन चले, 28 दिन चले, और आपको जो पहला लेसन है पहली यूनिट में, मैं तो उसको यूनिट है उसको मैं लेसन में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें गाइस जो आपका 30% आपको नंबर यानी 15 मार्क्स यहां से आपको मिल जाएगा फर्स्ट लेसन से। मैं बात करूं अगर सेकंड लेसन से तो 20% 21 पीरियड में खत्म होगा दूसरा लेक्चर, मतलब दूसरी टॉपिक स्टार्ट होगी। और मार्क एलोकेशन अगर मैं बात करूं एलोकेशन तो यहां पे 20% यानी 10 नंबर इससे मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम तीसरे लेसन की तरफ जो हमारा सब स्टेशन के नाम से था, इसमें गाइस क्या होगा कि 11 पीरियड में समाप्त हो जाएंगे और हमको देंगे कितने 20 नंबर दे देंगे और 21 पीरियड में समाप्त होंगे और तीसरा लेक्चर है। मैं बात करना चाहूँगा फोर्थ लेक्चर मतलब फोर्थ आपका जो टॉपिक चलेगा वो आपका टाइम पीरियड 14 अलाउड पीरियड का होगा, और उसके बाद आपको मार्क्स की अगर मैं बात करूँ कितने मिलेंगे 15% का मतलब समझ रहे हो ना, 15% का मतलब 7.5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं पांचवें टॉपिक और मतलब जो पांचवा लेक्चर है ये कितने टाइम में समाप्त होगा, ये भाई आपका 14
14 पीरियड में समाप्त करना होगा और इसमें 15% मिलेंगे। गाइस मैं बता दूं कि आपको अभी आगे का तो पता नहीं, बिकॉज कि इस समय जो टाइम है वो आज है 15 मार्च 2020, तो यहाँ पे क्या है कि इस समय कोरोना की वजह से सब कॉलेज बंद है, जिस वजह से भाई अपनी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, सबकी हो रही है ऑलमोस्ट। तो अगर देखो मैं बता दूँ कि सबसे पहला जो लेसन है ये मैं इसको कम्प्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, कम्प्लीट ये जो पहला लेसन है फुल्ली तरीके से मैं कम्प्लीट करने वाला हूँ। बाकी अगर बचे दो तीन और चार पाँच इनको भी कम्प्लीट किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए मैं पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हूँ। आपको अगर इसकी पूरी वीडियो चाहिए, अगर आपको मान लीजिए बाद में या लेट जुड़ते हैं चैनल से तो आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, वहाँ से जाकर चेक कर लेना, पता चल जाएगा भाई कितने लेसन तक वीडियो आई है, पूरा आया है या नहीं आया है, सब कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस इस तरीके से आपको जानना है, पढ़ना है भाई, और हम नेक्स्ट टॉपिक पर कुछ देखते हैं बचा हुआ है, कुछ नहीं बस इतना ही बचा हुआ भाई। टोटल यहाँ पर परसेंटेज वगैरह 98 पीरियड में समाप्त होगा, 100% यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से भाई आपका सिलेबस इंड हुआ। आई होप आपको यार ये सिलेबस वाली वीडियोस जो थी ना इंपॉर्टेंट, क्या बहुत इंपॉर्टेंट यार सिलेबस, सब लोग अपने कॉपी नोट्स में लगा लेंगे जिससे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।